बेसिकली लेते हैं, मोड होता क्या है? ठीक है, मोड का मतलब आप ये कह सकते हो कि मोस्ट पॉपुलर नंबर, ठीक है, मोस्ट ऑकर्ड नंबर, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो उसे हम कहते हैं। तो हमारे पास तीन तरह के क्वेश्चंस होते हैं, तीनों तरह के क्वेश्चन आप एक बार देख भी लीजिए। एक तो आपके पास डेटा अगर बेटे कभी इस तरह से दिया जाए, और मैं ये इसलिए बताता हूँ क्योंकि 1 मार्क्स के लिए भी पूछ सकता है, आपको दे रहा है 1 2 1 3 5 2 5 7 1 3 1 2, लाइक दिस, ये दे रहा है आपसे, कह रहा है इसका मोड बताओ, इस डेटा का मोड। तो आपको क्या काउंट करना होता है, आपको ये देखना होता है कि सबसे पॉपुलर नंबर कौन सा है, मोस्ट ऑकरिंग नंबर्स कौन सा है। तो 1 जो है हमारे पास 2 3 4 टाइम आया, ठीक है, और अगर आप देखेंगे 2 जो है हमारे पास वो 3 टाइम आया, ठीक है, और अगर आप देखें 3 3 कितने टाइम आया, 2 टाइम आ रहा है, और 5 कितने टाइम आ रहा है, 2 टाइम 2 टाइम आ रहा है। तो सबसे ज्यादा कौन आया है, 1 1, वन, तो इसका मोड 1 है। तो ये मोड इज 1, मोस्ट ऑकरिंग नंबर, ये हम कह सकते। प्लीज ध्यान से देख लीजिए बच्चे, कभी कभी क्या होता है, एक से ज्यादा मोड भी पॉसिबल है। तो अगर 2 भी 4 टाइम आता तो हम कह सकते थे 1 एंड 2 इज मोड ऑफ दिस डेटा। तो एक से ज्यादा मोड भी पॉसिबल है। तो एक तो ये है, अगर डेटा इस तरह से दिया जाए तो हम मोड निकाल सकते हैं काउंटिंग करके। दूसरा, अगर इसी डेटा को, मतलब इस डेटा को फ्रीक्वेंसी टेबल में दिया जाए, ऐसे देता कि भाई ये हमारा डेटा है, तो डेटा क्या क्या है, 1 है 2 है 3 है 5 है 7 है, बस यही डेटा था, और ये इसकी फ्रीक्वेंसी है, 1 इज कमिंग 4 टाइम्स, ठीक है, 2 वॉज कमिंग 3 टाइम्स, इस तरह से। पहले जो हम ले रहे थे कि भाई अगर हमने इसको नहीं लिया था, ठीक है, और 3 हमारे पास था 2 टाइम, और 5 हमारे पास था 2 टाइम, और 7 था हमारे पास 1 टाइम। तो सिर्फ टेबल देख के ही हम बता सकते हैं कि किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। तो फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है 4, और 4 फ्रीक्वेंसी किसकी है, 1 की। तो मोड हमारा क्या है भाई, कोई कैलकुलेशन नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं, बस आपको ये देखना है कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है, और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो है वो किस डेटा की है, तो वो हमारा मोड होता है। सर समझ में आ रहा है, जी सर, ठीक है, यस सर, मतलब मैं दोबारा से कहूं आपसे कि भाई बच्चे हमारे पास ये देख, सपोज करो मार्क्स दिए हुए हैं 5 10 15 20 25, और ये सपोज करो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं कि कितने स्टूडेंट्स के आए हैं ये मार्क्स, तो कोई कैलकुलेशन कोई फॉर्मूला नहीं, 3 2 7 5 1। तो आपसे कह रहा है इस डेटा का मोड बताओ, तो इसमें सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कौन सी है, 7 7, और किसकी है 7 फ्रीक्वेंसी, 15। 15 तो हमारा मोड क्या हो गया, 15।15 सर क्लियर है ये बात, ठीक है। तो अगर आपके पास इस तरह से डेटा दिया जाए तो आप निकाल सकते हैं, और फ्रीक्वेंसी टेबल दी जाए विदाउट ग्रुप्स विदाउट क्लास इंटरवल तो आप निकाल सकते हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं जब बेटे हमारे पास क्लास इंटरवल दिया हो, जैसा ये टेबल दी हुई है, तो इसका मोड कैसे निकालते हैं, बस ये देख लीजिए। एक ही तरह का क्वेश्चन है आपके पूरे चैप्टर में, एक्स्ट्रा में बताऊंगा मैं जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला है, तो इसमें बस एक ही क्वेश्चन है बस। तो ये आपके पास है, आपको क्या करना है, क्लास इंटरवल आप पहले अपनी टेबल को लिख लीजिए, 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65, ये बस क्लास हो गई। हमारे पास फ्रीक्वेंसी कितनी है, 6 11 21 23 14 5, ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी हो गई, ठीक है जी। अब आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है बेटे। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी यहां पे कितनी है,
ठीक है? ट्वेंटी तो मैक्सिमम जो फ्रीक्वेंसी है वो 23 है। अगर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 23 है तो उस वाली जो हमारी ये होती है क्लास, उसको हम मोड क्लास कह देते हैं। तो इसको हम सपोज कर लेते हैं मोड क्लास, जिसमें फ्रीक्वेंसी है। तो मोड क्लास हमारी आ गई 35 से 45, ठीक है? मोड क्लास की जो लोअर लिमिट है उसको एल कहते हैं। तो लोअर लिमिट है 35, ठीक है? उसके सामने जो फ्रीक्वेंसी है उसे कहते हैं F1। तो F1 हमारा कितना है? 23। उससे प्रीवियस क्लास जो है ठीक उसको कहते हैं है। F0। तो F0 कितना है? 21। और उससे 21, नेक्स्ट को हम कहते हैं F2, वो कितना है? 14, 14, 14। और ये जो 14, क्लास है उसका जो साइज है, डिफरेंस, गैप, वो उस क्लास की हाइट है। कितने का है क्लास साइज? 10। सबको समझ में आ गया? L, सर। F1, F0, F2, H। तो अगर हमने ये निकाल लिया है तो मोड का फॉर्मूला बेटे, मोड इज इक्वल्स टू एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 F0 F2 इनटू H। ये फॉर्मूला है। यहां पे वैल्यू रख दीजिए, L कितना है, F1 कितना है, F0 कितना है, ट्वाइस ऑफ F1 F0 F2 इनटू H। सॉल्व करो भाई, कितना आया? 35 प्लस 23 माइनस 21, टू 2, 2 टू 10 जा 20, 23 2 जा 46 और 21 और 14 माइनस 35, थर्टी 46 माइनस 35 माइनस 11 प्लस माइनस 11 प्लस 11, 11 11 से 20 को डिवाइड कर दो। एलसीएम नहीं लेना, यही करना है। 11 वन जा 11, 9, 11 एट जा 88 समथिंग। तो 35 प्लस 1.8 इज व्हाट? 36.8 समथिंग। बताइए, थोड़ा बहुत कुछ समझ में आया क्या? ठीक यस है जी। तो ये है मोड बेटे, बस खत्म। इतनी सी ही एक्सरसाइज है आपकी सेकंड वाली। क्या आपको इसमें यहाँ कुछ करना भी नहीं था, सिवाय बस इतना सा ध्यान रखना है कि अगर ये कंटिन्यूअस लिमिट नहीं है तो हमें अपने लिमिट्स को कंटिन्यूअस करना है। अच्छा, चले गए बेटे? वो जो बच्ची आती है वो भी चली गई। तो ये है बेटे, क्लियर है सब बच्चों को? यस सर। चलिए, ऑल द बेस्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम असलम।